देश का ना किसी ने फ्लैग खरीदा और ना किसी ने 14 अगस्त मनाया। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 160 कंट्रीज में मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में ही नहीं मनाया गया। इस साल इतनी गजब की बेइज्जती हुई है पड़ोसियों की, अल्लाह माफ करे भाई, इतनी बेइज्जती अगर मेरी हो जाए मैं तो कभी शक्ल ना देखा हूँ मीडिया पे भाई। इसलिए वो पाकिस्तानी सारे यही ट्राई करेंगे हम इंडिया जाएं। अगर इंडिया अभी भी, मैं कहता हूँ अभी भी, अगर थोड़ी सी इंडिया लूज हैंड दे ना, अभी भी पाकिस्तानी कहेंगे भाई हम इंडिया ले जो हमें। किसी किसी के पास पैसे हैं, कोई कोई झंडा खरीद रहा है, शायद अगले साल ये झंडे के भी पैसे ना हो, लोगों के पास झंडे के पैसे रह जाएं। दुबई में बुर्जुल खलीफा पर 14 अगस्त में फ्लैग नहीं लगाया गया और 15 अगस्त को एकदम ऐसा दमादम मस्त कलंदर बन गया था वहाँ। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नायक, आज का अपडेट में आप सबका स्वागत है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 14 अगस्त को 77 ईयर पाकिस्तान की बर्थडे पर पाकिस्तानियों की जिस प्रकार से बेइज्जती हुई है ना, पूछिए मत। जैसे पाकिस्तानियों की किसी ने रेप कर दिया हो, वैसे ही पाकिस्तानी 14 अगस्त को रो रहे थे, माथा पीट पीट के गिड़गिड़ा रहे थे। आप लोग ये पूछें कि पाकिस्तानी की इज्जत पर किसने हाथ डाल दिया? नहीं। अरे भाई, और कोई नहीं, उनका ब्रदर मुल्क यूएई ने पाकिस्तान को नंगा कर दिया। तो आइए पाकिस्तानी को पीड़ा को फील करते हैं, उनका जो पिछवाड़े पर सूजी हुई है उससे फील करते हैं। और आप लोग ये भी पूछेंगे इससे हम हिंदुस्तानियों को क्या मिलेगा? सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। के पड़ोसी देश का ना किसी ने फ्लैग खरीदा और ना किसी ने 14 अगस्त मनाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 15 अगस्त को सिर्फ दुबई ने नहीं सर, बड़ी बड़ी कंट्रीज, यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई 15 अगस्त मेरे भी इंडिपेंडेंस नेशनल डे होगा, हम भी, यूएसए भी मनाएगा। उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 160 कंट्रीज में मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में ही नहीं मनाया गया। ये आतंकवादी और जिहादी लोगों का तो झंडा लाइट अप होना ही नहीं था, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। हमारा किसी ने, किसी भी शहर में नाम नहीं है पाकिस्तान का यार झंडा लहराया हो, ठीक है? दुबई में था, हर साल होता था, लेकिन इस साल भी नहीं हुआ। हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। वजूद कोई नहीं है अब दुबई जैसे, भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं, इस काबिल भी नहीं है कि दुबई जैसे जो है ना वो हमें लिफ्ट ना करे। जली ना तेरी भी जली ना। इस साल इतनी गजब की बेइज्जती हुई है पड़ोसियों की, अल्लाह माफ करे भाई, इतनी बेइज्जती अगर मेरी हो जाए मैं तो कभी शक्ल ना देखा हूँ मीडिया पे भाई। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। पाकिस्तान से लोग परेशान हो चुके हैं, पाकिस्तानी आवाम खुद पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। आप लोग को याद होगा कल का वीडियो में मैंने क्या कहा था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। पाकिस्तानी लोग अभी भी इंडिया में आने को तरस रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि हम इंडिया से क्यों अलग हुए, इंडिया से अलग होकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बात होती है कि पाकिस्तान में जो भी हुआ अमेरिका ने करवाया हमें, तो अगर उसका फ्लैग हम अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं, कल को इंडिया दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाती है आने वाले सालों में, तो ये ना हो कि कल को जो है पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी सारे यही ट्राई करेंगे हम इंडिया जाएं। अगर इंडिया अभी भी, मैं कहता हूँ अभी भी, अगर थोड़ी सी इंडिया लूज हैंड दे ना, अभी भी पाकिस्तानी कहेंगे भाई हम इंडिया ले जो हमें। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हमारा दिल कर रहा है कि बस हम चले जाएं, वहां पे हम डॉलर कमा लें और हमें बेशक कुत्तों की तरह जलील करें, जो मर्जी करें, पर हमारे बच्चे ना भूखे मरे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। आज के टाइम में पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान नहीं है, सब टूट चुके हैं, टूट के बिखर चुके हैं। कुछ पाकिस्तानी जाके गिरे पीटीआई के जूतों के पास और कुछ बाकी पार्टियों के जूतों के पास गिरे। ऐसे में 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान के बर्थडे पार्टी के दिन पाकिस्तान में झंडे उठाने के लिए कोई पाकिस्तानी बचा ही नहीं। गजब बेइज्जती है। दुबई में बुर्जुल खलीफा पर
14 अगस्त में फ्लैग नहीं लगाया गया और 15 अगस्त को एकदम ऐसा दमादम मस्त कलंदर बन गया था वहाँ आते वो भी बोलते जी पीटीआई का झंडा दे दो, पीटीआई का झंडा दे दो। भाई पीटीआई का झंडा किस वजह से ले रहे हो? पाकिस्तान का झंडा ये है, पीटीआई कौन है? पीटीआई लेनी है तो भाई जलसे ये जब जलसा हो या कोई हो उस टाइम लो ना, अभी ना जलसा है ना कुछ है, फिर भी पीटीआई पूछ रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा ले ही नहीं रहे। पाकिस्तान का झंडा नहीं ले रहे, पीटीआई का पूछ रहे हैं। आई एम सॉरी बाबू। भाई आवाम गरीब है, आवाम के पास पैसा नहीं है भाई, झंडा खरीदने से अच्छा है अपने लिए कोई अंडरवेल खरीदे। भाई बेकार में 200-300 झंडे के ऊपर देगा बंदा, उससे अच्छा एक अंडरवेयर खरीदे, अंडरवेयर पटे हुए सब। इतनी गरीबी है, झंडा कौन खरीदेगा? और ये बोल रहे हैं कि लोग आके कोई यूके का झंडा मांग रहा है, कोई पीटीआई का झंडा मांग रहा है। हमसे बड़ी भूल हो गई भाई, हमसे काफी ज्यादा बड़ी भूल हो गई भाई। अगले 14 अगस्त में पता नहीं पाकिस्तान होगा भी नहीं होगा। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। दोस्तों 14 अगस्त 2023 तो पाकिस्तानियों ने बेइज्जत होके रो रो के काटे हैं। पाकिस्तान का 78 बर्थडे मनाने के लिए कोई पाकिस्तानी होगा या नहीं? अगला बर्थडे मनाने के लिए एक भी पाकिस्तानी झंडा उठाएगा या नहीं? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। समझ रहे हो आप?